जात धर्म और लैंगिक मसले परिचय। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है, कई बार तो वह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकारक भी होती है। इस अध्याय में हम इस पर विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली तीन सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये हैं लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमता। ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए लाभकारक है या नुकसानदेह। लैंगिक मसले और राजनीति में ये चित्र जुबान बना हुआ शक्ति, स्त्री शक्ति का उद्घोषण करता बंगाल का एक पोस्टर। बात बोले भेद खोले, श्रम का लैंगिक विभाजन, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से कराती हैं। आइए अपनी बात शुरुआत हम लैंगिक असमानताओं से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानताओं को स्वाभाविक की या कहे कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष का जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिका है। राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या यह राजनीति है? क्यों नहीं? अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुष की प्रधानता को भी राजनीतिक मानना चाहिए। निजी और सार्वजनिक का विभाजन, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों का मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवार के श्रम के लैंगिक विभाजन में झलकती है। औरतों के घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे काम को करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हें सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यह काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइया पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हों ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्री पानी और जलावन जुटाने में लेकर खेत में काटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही हैं और मध्यम वर्गीय स्त्री का काम करने के लिए दफ्तर जा रही हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके पास को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरतें तो घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई हैं और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मानुष्य जाति के आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मसले में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलन में महिलाओं के राजनीति और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और आदर्श स्त्री की कुछ बनगी टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक, फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी, समाज के लिए आदर्श गृहिणी, भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन, नियुक्ति और पुरुष सहकर्मी के लिए आदर्श कर्मचारी। चुनिए इनमें से आप कौन हैं। जुबानी अपने समाज में आदर्श स्त्री के बारे में प्रचलित इन सारी धारणाओं पर चर्चा करें। क्या आप इन सब से सहमत हैं? अगर नहीं तो बताइए कि आदर्श स्त्री के बारे में आपकी धारणा क्या है। उनके लिए शिक्षा तथा बेरोजगार
शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली और महिला आंदोलनों ने औरतों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीति गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन और जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर प्रबंधन कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। खुद करें, खुद सीखें। देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया। इससे से पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6.5 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुष द्वारा किया गया काम ही ज्यादा दिख पड़ता है, क्योंकि इससे आमदनी होती है। औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन उनका ज्यादातर काम घर की चार दीवारी के अंदर होता है। इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, इसीलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता। समय का उपयोग दैनिक घंटों और मिनट में दिए गए गतिविधियां पुरुष और महिला आमदनी वाले काम 6:10, 6 बजे और 2:40 घर के काम, आधे घंटे, 5 गप्पेबाजी, 1.25, 1.2, बिना काम के फुर्सत 3:40, 3:50, सोने अपने शरीर की साफ सफाई, पढ़ना वगैरह 12:25, 11:10। भारत सरकार समय का उपयोग सर्वेक्षण 1998-99 बात बोले भेद खोले नारीवादी औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। आप अपने परिवार में भी समय का उपयोग वाला सर्वेक्षण कर सकते हैं। अपने परिवार के सभी वयस्क पुरुषों और महिलाओं के काम पर एक हफ्ते तक गौर करें और यह दर्ज करें कि चले कि निम्नलिखित कामों पर हर आदमी कितना समय देता है। आमदनी वाले काम, दफ्तर, दुकान या कारखाने अथवा खेत वगैरह में काम, घरेलू काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, बच्चों और बूढ़ों को देखरेख वगैरह, पढ़ना और मनोरंजन, गपशप करना, अपने शरीर की साफ सफाई, आराम करना या सोना, जरूरी लगे तो आप नई सरणी भी बना सकते हैं। इससे हर काम में जो समय लगता है उसका हफ्ते भर का हिसाब जोड़ लें और फिर उसे 7 से भाग देकर प्रत्येक सदस्य को रोज का औसत समय निकालें। क्या आपके परिवार में भी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं? हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। हमारे समाज में अभी भी पितृ प्रधान है, औरतों के साथ अभी भी कोई तरह की भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मारी ली है और कई जगह उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधन को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इसी स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पद पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष मम्मी दर हरदम बाहर वालों से कहती है कि मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, पर मैं देखती हूँ कि वह लगातार काम करते रहती है। अगर वह जो करती है उसे काम नहीं करते तो फिर काम किसे करते हैं? ये दिखाया गया चित्र में बाल स्त्री पुरुष अनुपात 2011 का ये चित्र दिखाया गया है। बाल स्त्री पुरुष ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर, 6 से लेके
0 से 6 वर्ष के लिए जो दिखाया गया भारत में, जम्मू एंड कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम कर्क रेखा इधर, म्यांमार, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। ये स्रोत 2011 जनगणना का रिपोर्ट रहा पुडुचेरी, जिसमें 951 से अधिक लाल वाले में दिखाए गए हैं, हरा वाले में 926 से 950, 901 से 925 पीले वाले, और हल्के पीले वाले में 876 से 900, 875 से कम जो हल्का रंग वाला है उसमें दिखाए गए हैं। बात बोले भेद खोले, पित्त प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस शब्द का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों की ज्यादा महत्व, ज्यादा सखी देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। क्या आप इस मानचित्र में अपने राज्य की पहचान सकते हैं? इस जिले में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? आप इस अनुपात को अलग रंगों से अंकित जिलों में कितने समय कम या ज्यादा पाते हैं? उन राज्यों की पहचान करें जिसमें बाल लिंग अनुपात 900 से कम है। अगले पृष्ठ पर दिए गए पोस्टर के इस नक्शे की तुलना करें। ये दोनों किस तरह हमें एक ही मुद्दे के बारे में अलग अलग ढंग बताते हैं। वी कैन साउथ एशिया रीजनल कैंपियन इन ऑल वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, 50 मिलियन वुमेन मिसिंग इन साउथ एशिया ड्यू टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑक्सफैम जीबी से लिया गया, की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज्यादा काम करती हैं, पर उसको ज्यादातर काम के लिए पैसा नहीं मिलता, इसीलिए अक्सर उसके काम का मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान मजदूरी दी जाएगी, बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक महिलाओं में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इस मानसिकता से पनपते है। इस देश का लिंग अनुपात प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गई है। साथ ही लगा नक्शा बताता है कि कई जगह पर यह अनुपात गिरकर 850 और कई कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं पर के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाले हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं, वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय सांसदों में महिलाओं की संख्या परसेंटेज में विश्व के औसतन नॉर्डिक देश में 42.3%, अमेरिका उत्तरी और दक्षिण में 29.5%, यूरोप में 26.4%, सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्त देश में 23.7%, एशिया में 19.8%, पैसिफिक में 18.6%, अरब मुल्क में 15.6% और भारत में 11.8%। भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में महिलाओं की प्रतिनिधि इस स्तर तक पहुंच गया है कि उसे संतोषजनक कहा जा सकता है? यूरोप ओएससी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, नॉर्डिक देश में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को छोड़कर ओएससी के सदस्य देश, टिप्पणियां, आंकड़े अक्टूबर 2018 तक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य सदनों में महिलाओं के प्रतिशत की स्थिति बताते हैं। स्रोत WWW IPU ऑर्गेनाइजेशन WMNE वर्ल्ड HTM से लिया गया है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिलाओं के आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक औरतों का सत्ता और नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो
सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिलाओं प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंच सकी है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। देखें पृष्ठ 44 का बाक्स। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों में से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडल में पुरुषों की का ही आश्चर्य रहा है। मंत्रिमंडल में पुरुषों का आश्चर्य रहा। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्था में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकार यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत की ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों से निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की भी एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्ष से ज्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टी इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? अगर जातिवाद और संप्रदायवाद खराब चीज है तो नारीवाद क्यों अच्छा है? हम समाज को जाति या धर्म या लिंग के आधार पर बांटने वाली हर बात का विरोध क्यों नहीं करते? ये चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ये चित्र सुरेंद्र द हिंदू यह कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया। क्या आप इस नजरिए से सहमत हैं? ये चित्र में दिखाया गया है महिला आरक्षण के लिए गेट 1 गेट 2 गेट 3 गेट 4 से दिखाए गए हैं। बात बोले भेद खोले पारंपरिक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश के सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। धर्म, संप्रदाय और राजनीति। ये चित्र में चश्मा, ये नम जान, ये सोरीदा काफी नहीं, तो हमत ये इश्क, ये पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पा बजोला चले फैक अजमत फैज, नॉट एनफ टू शेड टीयर्स टू सफर एंग्वेशंस, नॉट एनफ टू द नर्स लव इन द सीक्रेट आ टूडे वॉक इन द पब्लिक स्क्वायर फेडरल इन चैन फैज अहमद फैज द्वारा लिखी थी। आइए एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौम में तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि आपने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को मान ले लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाता है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से नौकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़ा है। उनका मानना था कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों नहीं करनी चाहिए। गांधी जी का मानना था
कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों को निर्देशित होना चाहिए। अपने देश में मानव अधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से मतभेद करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतापूर्वक बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते हैं। विभिन्न धर्मों से निकलने विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में भी एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो, उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है तो, या किसी से के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो उसे इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। सांप्रदायिकता समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है। विभिन्न पिछले अध्याय में उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की एक ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म और अभिव्यक्ति का एक समुदाय की विशेषता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चे खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माने जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांग को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब अपनी सत्ता का इस्तेमाल किया किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो इससे स्थिति और विकट होने लगती है। और राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोचों पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्णय करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी धर्म अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हितों तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वस्त्र में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। मैं अक्सर दूसरे धर्म के लोगों के बारे में चुटकुले सुनाता हूँ। क्या इससे मैं भी सांप्रदायिक बन जाता हूँ? यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हितों और उनकी आकांक्षाएं हर मसले में एक जैसी हो, यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसीलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दिन जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणा और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीजें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में
करने के फिराक में रहती हैं। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का एक रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है, इच्छा का रूप ले लेता है। हम तो ठहरे सहजन भी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। फैज अहमद फैज द्वारा लिखित ये कविता वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया 40 इंडस्ट्री एरिया न्यू दिल्ली से लिखा गया है। इसका फोन नंबर भी है, ईमेल भी है। सांप्रदायिक और आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का एक दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीक धर्म गुरुओं भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता हिंसा हुई। धर्मनिरपेक्ष शासन सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। भारत राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकारी नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। इसके हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियादी है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। जाति और राजनीति, हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक और नुकसानदेह है। आइए अब अंतिम और मुख्य विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष। जातिगत असमानताएं, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताओं और एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पैसा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था का एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से ये चित्र में दिखाया गया है। ये महात्मा गांधी की ऊपर चित्र रखी गई है। ये अजीत नीनन द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया। कुर्सी मुख्यमंत्री बनने वाले के लिए बनाई गई है ताकि वो अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे। इस पर बड़े झटके लगेंगे, एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा की वंशानुगत विभाजन की रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खाना पाना का संबंध रहता है। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है, न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनकी बात
में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने का धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। बात बोले भेद खोले वर्ण व्यवस्था। जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान के सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के ऊपर से उनके नीचे, ऊपर से उनके नीचे रहेंगे। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों को धर्म की को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समय सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसे ही फार्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फार्म में भी इसे वैसा ही दर्ज कर दिया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपातों में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट से देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी के अनुपात का पता चलता है। आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बढ़ी है पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है जबकि मुसलमान, सिख और बौद्ध का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांति धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति 70 समिति के नाम से जाना गया के आकलन से स्पष्ट है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3-4% तक ही रहेगा। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उल्टा फेर नहीं होने वाला है। यही बात प्रमुख जाति समूह पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके सरकारी अनुसूचित में दर्ज है। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आम तौर पर दलित कहा जाता है सामान्यतः वे हिंदू जाति आती है जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। अनुसूचित जनजाति में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं जिनका बाकी समाज से ज्यादा मेल जोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी के अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों का गिनती नहीं की जाती है। इनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है इस बात को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण 2004 से 2005 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। इसी प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी 2011 में हिंदू 79.8% में, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, अन्य 2%, अन्य में शामिल हैं बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य धर्म में 0.7%, कोई धर्म नहीं मानते हैं 0.2%। स्रोत जनगणना 2011 के अनुसार लिया गया है। यह तथ्य इन महापुरुषों के प्रयास सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांव में जमींदारी
व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था में पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस से आपके साथ कौन बैठा है या रेस्टोरेंट में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे हैं आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में सही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सर्दियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया। इसके प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हें उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अंगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट इसमें मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं रहती है। हम पाठ्य पुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? अब तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है? क्या तुम्हीं ने नहीं कहा था कि जहां भी प्रभुत्व या वश्चर की बात आए तो हम राजनीति विज्ञान में उसकी चर्चा करनी चाहिए? क्या हमें चुप रहने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? ये चित्र में का संबंध है जातिगत असमानताएं शीर्ष बॉक्स में दिखाई गई हैं। शीर्ष बॉक्स में ये दिखाई गई है कास्ट दोनों में राजनीति में जाति सांप्रदायिक की तरह जातिवाद भी इसी मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार जाति एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरे जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को जाति के हिसाब से ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरत वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हुए उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। बात बोले भेद खोले शहरीकरण ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों को शहर में बसना शहरीकरण कहलाता है। जातिगत असमानता आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है क्योंकि इसमें विभिन्न संसाधन तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म के औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई हैं पर सदियों से जिसका व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा है उसका वंचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी हैं। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था जब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी
बमुश्किल ही ढूंढे मिलता था। पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औसत आर्थिक हैसियत, जिसमें मासिक खर्च जैसे हिसाब में मापा जाता है, अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाता है। यानी ऊंची जात के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासी की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जाति बीच की स्थिति में है। हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में सरकारी गरीबी रेखा के नीचे है। जीवन बसर करने वालों में ज्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जाति में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है, इसी मामले में भी पिछड़ी जाति के लोगों बीच की स्थिति में है। आज भी सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वाले का अनुपात बहुत ज्यादा है और निचली जातियों का अनुपात बहुत कम है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले का प्रतिशत अनुपात 1999 से 2000 है। जाति और समुदाय, ग्रामीण और शहरी, अनुसूचित जाति 45.8%, 35.6%, अनुसूचित जातियां 35.9%, 38.3%, अन्य पिछड़ी जातियां 27.00%, 29.5%, मुसलमान अगड़ी जातियां 26.8%, 34.2%, हिंदू अगड़ी जातियां 11.7%, 9.9%, ईसाई अंगड़ी जातियां 9.6%, 5.4%, ऊंची जाति के सिख 0%, 4.9%, अन्य अंगड़ी जातियां 16%, 2.7%, सभी समूह 27.0 और 23.4%। नोट, यहां अंगड़ी जाति का मतलब उन सभी लोगों से है जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के अंतर्गत नहीं आते। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है कि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 327 रुपये ग्रामीण और 455 रुपये शहरी रुपये से कम खर्च करने वाले लोग। राष्ट्रीय स्रोत, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 55वां दौर 1999 से 2000 के बीच में लिया गया है। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावना को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मतदाता और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम्य वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था में ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई सोच चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीची माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं। यह बात तो सच नहीं है। जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी हर उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का एक वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी के वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार उससे ज्यादा गहरा हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव उनकी राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है। जाति के अंदर राजनीति, अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति
की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और द वोट बैंक ऑफ इंडिया राजपूत कुर्मी यादव गुर्जार अहिर लोहार कोवरी एससी एसटी अहिर और बहुत सारी जातियां मुस्लिम दिखाई गई है। निनल क्या आपको यह बात ठीक लगता है कि राजनेता किसी जात के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं? अजीत निनल इंडिया टुडे बुक ऑफ द कार्टून से बनाया गया है ये चित्र। एपर्टेड रंग भेद यू हु हैव मेड द मिस्टेक दोज हु लिव लिव फॉर फॉरेनर लैंड इम्प्रेस अदर ट्रंक्स ड्रेस एंड एलन ग्रैप्स एंड फॉरेनर कंट्री देम सल्टेड एंड दोज हु एंड दो फॉरगेट एंड डोंट चेंज इवन द ब्रिंगिंग ब्रिथ अप टू द सेंचुरी सच द हाइपोथेसिस आई आस्क व्हाट डू से द समवन आस्क्ड फॉर व्हाट इज अनटचेबिलिटी इज द इन Eternal like God, what is untouchability like? The what does he look like? Does he look like the very image of the repressive or like the prohibition enemy? Does he look like the heretic and sinemary and protrigled or the ethics? Tell me, what will be answer be? Will we reply without the hesitations? Untouchability that means. That means that why I say you who have made the mistake of bringing the war in the country must now rectify it, either leave the country or mere the Bavuro Bengal, translated by the Bilas Sargam. ये लिया गया है बिलास सरगम से रंग भेद के खिलाफ, यहाँ दे रखा है इसका हिंदी रूप अप्रकट रंग भेद। इस मुल्क में पैदा होने की जो गलती करने वालों चले जाते हैं, जो विदेश बोलते हैं, पराई भाषा पहनते हैं, अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बगैरतों से मैं पूछता हूँ क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे क्या होता है छुआछूत? क्या यह ईश्वर की तरह ही अनविनाशी है? कैसा होता है अछूत, किसी तरह दिखता है? क्या वह खुद में कोड की तस्वीर होता है या फिर धर्मधीशों का दुश्मन? क्या वह विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नास्तिक? बताओ मुझे क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे मैं ही हूँ अछूत? इसी से मैं कहता हूँ तुम इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ दो या गिरफ्त करो। बाबूराव बागुल की कविता हिंदी का अनुवाद दिया गया है। जातिगत पहचान को प्रभावित करती है इस तरह सिर्फ जाति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीति ग्रस्त हो जाती है। यह चीजें अनेक रूप लेती हैं। हर जाति खुद का बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वो अपने समूह को जिन उप जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसीलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है, और इसी तरह अनेक भी संवाद और मोल टोल होता है। राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अंगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है, और एक तरह से यह चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए राजनीतिक समूहों और समुदायों की गोलबंदी करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपने बात आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित
और पिछड़ी दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। इस पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिगत तनाव, टकराव और हिंसा को ही एक बढ़ावा देता है एक बढ़ावा